हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, और यहां पर आज हम करने वाले हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। ओके, यहां से नीट 2013, 14, 15 और 16 में क्वेश्चन आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस लाइन किस पॉइंट से आया, क्या वो NCERT से आया या फिर आउट ऑफ NCERT आया, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जितने भी एक्चुअल हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, उनकी एक्चुअल इमेज भी हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो कैसे दिखाई देते हैं। तो ये दो यूनिक चीज़ें होने वाली है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं और उनके एग्जांपल जो है वो एक्चुअल इमेज भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपने देखे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखे हैं फिर भी अगर आपको ये सब कुछ पता है तो भी अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा को। तो वर्टिब्रेटा जो यहाँ पर सब फाइलम है, दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड। तो जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है वो वापिस आगे जो उसकी कुछ डिवीजन हो जाती है। ओके, उसमें कुछ सुपर क्लास, कुछ क्लास ऐसे बन जाती है। तो सबसे पहले देखिए, सब फाइलम है ये, फाइलम ही सब फाइलम है किसकी, कोर्डेटा की। तो वर्टिब्रेटा जो उसमें दो डिवीजन होते हैं, फर्स्ट डिवीजन को हम बोलते हैं अगेंथा एंड सेकेंड को बोलते हैं गनेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर देखिए, जो अगेंथा होती है, अगेंथा जो डिवीजन होती है उसके अंदर लेक जा यानी जा जो होते हैं वो नहीं होते। जैसे हमारे ये जो जा बोन होती है ना, ये नीचे वाली जा बोन बोलते हैं इसको, मतलब ये जो जा है प्रेजेंट, ये अगंथा जो डिवीजन है उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। बट जो गनेथोस्टोमेटा जो डिवीजन है उसके अंदर बियर जा, यहाँ पे जो आपको जा मिलेगा, जैसे इसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं तो हमारे पास आपको ऐसे जा मिलेगा। ओके, फिर जो हम बात करें अगंथा की, तो अगंथा में केवल क्लास आती है और वो एक ही क्लास है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पर केवल वन क्लास आती है और वो कौन सी क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा। बट अगर हम सेकंड डिवीजन की बात करें जो कि हमारा गनेथोस्टोमेटा, जहाँ पे हमें पास जा मिलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आती है सुपर क्लास। क्या आती है, सुपर क्लास। सुपर क्लास के अंदर भी दो सुपर क्लास है, एक है पिस्कस और एक है टेट्रापोडा। तो यहाँ से आपके नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से सुपर क्लास कौन सी है, तो सुपर क्लास पिस्कस है, टेट्रापोडा, ये दोनों क्या है, सुपर क्लास है। ओके, अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो जो पिस्कस है उनके पास होते हैं फिन्स। क्यों होते हैं फिन्स, क्योंकि यहां पर जो है वो वाटर के अंदर रहती है और वाटर के अंदर स्विम करने के लिए वहां पे उनको चाहिए फिन्स। बट जो टेट्रापोडा है उनके पास क्या होते हैं, लिम्ब्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं, लिम्ब्स, जिसके हम बोल सकते हैं कि वो विंग्स में मॉडिफाइड हो सकते हैं या हाथ में पैर में ऐसे, ये लिम्ब्स होते हैं किनके पास, टेट्रापोडा के पास। बट पिस्कस के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। इनके बेस पे जो है वो सुपर क्लास डिवाइड की गई है। ओके, जो अब पिस्कस हमारी सुपर क्लास है वो वापस टू क्लास के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक है कॉन्ड्रिक्थस एंड सेकंड है ओस्टिक्थस। ओके, फर्स्ट सी कौन सी है, कॉन्ड्रिक्थस एंड सेकंड है ओस्टिक्थस। तो ये जो है वो क्लास आती है कौन सी सुपर क्लास के अंदर, पिस्कस सुपर क्लास के अंदर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टेट्रापोडा, टेट्रा के अंदर फोर आती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि टेट्रा यानी चार, टेट्रा हम यूज करते हैं ना फोर के लिए, तो यहाँ पे क्लास भी कितनी आएगी, फोर आएगी। ओके, और ऐसे याद कर सकते हो अगंथा, अगंथा में होता है ना ए, ए का मतलब वन, केवल ए मतलब वन वन होगा। ओके, तो ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे केवल वन ही आएगा, साइक्लोस्टोमेटा केवल वन ही क्लास आएगी। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका कि अगर आपको कौन से में कौन सी क्लास कितनी क्लास आती है तो उसके लिए, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है तो भी अच्छी बात है। तो जो हमारी टेट्रापोडी होती है जिसके पास लिम्ब्स प्रेजेंट होती है वहां पे फोर क्लास आती है। कौन कौन सी क्लास आती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मेमल्स। तो यहाँ पे फोर क्लास आती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमल्स, ये फोर क्लास किसके अंदर आती है, टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आती है। तो आई होप कि ये जो आपको कितनी डिवीजन है ये समझ में आ चुका होगा। हम यहाँ पर जो अब पढ़ेंगे वो एक एक करके पढ़ेंगे क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, फिर कॉन्ड्रिक्थस, ओस्टिक्थस, फिर एम्फीबिया। इस लेक्चर के अंदर इतना ही होगा, जो रेप्टाइल, एविज और मेमेलिया है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे और हमारा चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली जो क्लास है वो है हमारी कौन सी, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ से काफी बार जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुकी है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट जो ये क्लास हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, ये याद रखना। All living members of class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. यानी जो यहाँ पर Cyclostomata के अंदर जितने भी organism आएंगे वो सभी के सभी क्या हैं, ectoparasite हैं। Parasite तो आपको पता है कि जो nutrients है वो दूसरों से absorb करे, उसको बोलते हैं parasite। अब ये parasite होते हैं two types के, एक होते हैं endo जो किसी body के अंदर जाए, okay, और ecto होता है जो उस body के बाहर रहे।
तो ये जो पैरासाइट है वो कैसे हैं, एक्टोपैरासाइट है, यानी शरीर के बाहर चिपक जाएंगे और फिर जो उससे न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे। अब इनके लिए जो पैरासाइट है वो किसके ऊपर रहेंगे, ऑन सम फीसिस, जो वाटर के अंदर कुछ फीसिस ही रहेगी उनके ऊपर ये जो है वो चिपक जाते हैं और एक्टोपैरासाइट होते हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स जो वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये किस डिवीजन में आता है, अगंथा में आता है, तो यहाँ पे आपको जोज जो है वो नहीं मिलेंगे। अगले लिखा है दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। ओके, यहां पर जो है वो हमारे जो बॉडी होगी वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होगी, इलोंगेटेड का मतलब थोड़ी ऐसे लेंथी होगी, लंबी होगी। यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया है साइक्लोस्टोमेटा की, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो बॉडी है वो काफी लॉन्ग है एज कम्पेयर टू, अगर हम इसकी विड्थ देखें तो उसके कंपेयर में काफी लॉन्ग है। ओके, और यहाँ पे हमें मिलते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, ये पेयर्स और सिंगल ये भी याद रखना, तो यहाँ पे 6 to 15 जो वो पेयर मिलते हैं। ओके, गिल स्लिट क्या होते हैं, जो गिल्स होते हैं ना जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, वहां से ऑक्सीजन जो अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो वो जो गिल स्लिट आपको यहाँ पे देखिए ये जो आइज दिखाई दे रही है, आइज के बाद में यहाँ पे ये आपको छोटे डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये क्या है, गिल स्लिट है, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे, ये 6 हो सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 6 हो सकते हैं, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 12 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं, ये वेरीज कर सकते हैं। ओके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग वेरी कर सकते हैं, बट होंगे कितने, मिनिमम 6 होंगे, मैक्सिमम 15 होंगे, पेयर के अंदर होंगे, मतलब एक ही साइड से पेयर के अंदर ये चलते रहेंगे, मतलब यहाँ पे 6 इस साइड होंगे, 6 इस साइड होंगे ऐसे। ओके, अगर 8 इस साइड होंगे तो 8 इस साइड होंगे, ऐसे पेयर के अंदर जो है वो होंगे, और किस में मदद करते हैं, वो रेस्पिरेशन के अंदर मदद करते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा, तो यहाँ पे इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सकिंग टाइप का होता है, क्योंकि पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होंगे तो वो फीसिस के ऊपर रहेंगे, तो उनका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के लिए सक करना पड़ेगा ना उनका ब्लड वगैरह, तो यहाँ पे क्या होते हैं वो सकिंग माउथ होता है और सर्कुलर होता है, बिल्कुल ऐसे सर्कल टाइप जो है उनका माउथ होता है, और विदाउट जा होते हैं, क्योंकि ये अगंथा जो है उस डिवीजन में आती है, तो वहाँ पे जो तो प्रेजेंट होते नहीं है, तो विदाउट जा होते हैं सभी के सभी ऑर्गेनिज्म जो कि साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर आते हैं। आगे लिखा है देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्केल्स आपने जो कुछ फीसिस देखी होगी यहाँ पे ऐसे जो डॉट 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 से निशान से बने होते हैं, ऐसे यहाँ पर स्केल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ जो है वो स्किन होती है इनकी, एंड पेयर्ड फिन्स। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं ज्यादातर। ओके, फिन्स पिस्कस में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ना तो इनके पास स्केल्स होते हैं ना ही पेयर्ड फिन्स होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो है वो दूसरी फीसिस के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि एक्टोपैरासाइट होते हैं, इनको ज्यादा तैरने की जरूरत नहीं है, वहां पे जहां पे वो फीस जाएगी वहां पे ये चले जाएंगे, तो इनको ज्यादा फिन्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, आगे यहाँ पे लिखा है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रेनियम वो होता है जहां पे ब्रेन जो है ब्रेन को प्रोटेक्शन जो पार्ट देता है, तो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देता है वो क्या है, क्रेनियम है। ओके, जैसे हमारे ये जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों के दोनों यहाँ पर किससे बने हुए हैं, कार्टिलेजिनस से बने हुए हैं, जैसे हमारे अंदर बोन्स से बने होते हैं वैसे यहाँ पे ये किसके बने होंगे, कार्टिलेजिनस के बने होंगे। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सर्कुलेशन हम बात कर चुके हैं बहुत बार की ओपन और क्लोज टाइप टू टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पर जो वो क्लोज टाइप के होंगे, अभी लगभग सभी में क्लोज टाइप का ही चलेगा, क्योंकि वेल डेवलप्ड जो है वाटरीज वेंस कैपिलरीज वगैरह देखने को मिलेगी। अगले लिखा है साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर, यानी वैसे तो जो साइक्लोस्टोमेटा है वो हमेशा मेराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, मेराइन वाटर के अंदर रहेंगे, यानी जैसे ओशन वगैरह के अंदर रहेंगे, बट इन्होंने लिखा है माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर, बट जब जैसे इनको एग्स वगैरह देने होते हैं ना, जो गेमेट वगैरह ये रिलीज करते हैं जिस वाटर के अंदर जहाँ पे एग्स वगैरह देते हैं, वो जो वाटर होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, तो ये वहां से मेराइन से फ्रेश वाटर में जाते हैं, फिर वहां पे स्पाउनिंग करते हैं, मतलब एग्स वगैरह वहां पर देते हैं ये फ्रेश वाटर में। अब जैसे ये एग्स दे देते हैं फिर क्या होता है, आफ्टर स्पाउनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, तो जैसे ही एग्स दे देते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी। ओके, और जो अब उनका एग्स है, एग्स में से निकलेगा लार्वा, देयर लार्वा आफ्टर मेटामोर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब ये मेटामोर्फोसिस क्या होता है, मेटामोर्फोसिस वो स्टेज जब वो लार्वा से एडल्ट में बनता है,
तो जो लार्वा है वो जैसे ही एडल्ट में बनता है वो वापस ओशियन में आ जाता है, फिर वो ओशियन में रहता है, फिर जब उसको एग्स देने होंगे वो वापस फ्रेश वाटर में जाएगा। ओके, फ्रेश वाटर में जाते वो एग्स दे देगा, फिर वो डेथ हो जाएगी उसकी, वो मही मर जाएगा, फिर जो वो लार्वा आएगा वापस, लार्वा मेटामॉर्फोसिस एडल्ट होकर वापस ओशियन में आएगा। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है इनकी। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं पेट्रोमाइजन, जिसे हम लैम्प्रे बोलते हैं। पहले एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे है ये। ओके, और नेक्स्ट है माइक्सिन, जिसे हम हैगफिश बोलते हैं। तो पेट्रोमाइजिन जो है उसकी एक्चुअल इमेज देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। पेट्रोमाइजिन जो आपने एनसीईआरटी में देखा उसमें इसमें डिफरेंस देख लीजिए। नेक्स्ट है माइक्सिन, जिसे हम हैगफिश बोलते हैं, उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब जो है वो यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सबसे पहले जो नीट 2013 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द नेम ऑफ द एनिमल्स विद वन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, एंड द फाइलम क्लास टू विच इट बिलोंग्स। तो हमें एनिमल्स, ओके, उसका करेक्टर और उसकी फाइलम बताना है या फिर उसकी क्लास बताना है कि इसमें से बिल्कुल एक्चुअल कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया वो है लाइम्यूल्स। ओके, यहाँ पे ये नाम दिया गया ऑर्गेनिज्म का, फीचर बताया बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और कॉलम दिया गया पीसकस। ओके, नेक्स्ट जो है वहां पे दिया गया एडेम्सिया रेडियली सिमेट्रिकल पोरीफेरा, सी दिया गया पेट्रोमाइजिन एक्टोपेरासाइट साइक्लोस्टोमेटा, एंड डी दिया गया इक्टियोफस टेरेस्ट्रियल एंड रेप्टिलिया। तो ऑप्शन ए में हम पढ़ते हैं लाइम्यूल्स अर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, और ये पिस्कस क्लास में नहीं आता है, ये अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है, तो ये तो गलत हो गया। एडेम्सिया रेडियली सिमेट्रिकल पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर तो रेडियली सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होता है। ओके, एडेम्सिया भी पोरीफेरा में नहीं आता, तो यहाँ पे इसको भी आप निकाल सकते हो। सी जो है उन्होंने बोला है पेट्रोमाइजिन एक्ट्रोपेरासाइट एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो पेट्रोमाइजिन अभी हमने एग्जांपल दिया था जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, एक्ट्रोपेरासाइट हमने कहा था कि सभी के सभी एक्ट्रोपेरासाइट होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंदर आते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब कई बच्चे इक्टियोफस में हो जाते हैं, तो इक्टियोफस जो है वो किसके अंदर आता है, वो आपका आता है एम्फीबिया के अंदर आता है इक्टियोफस। तो एम्फीबिया के अंदर अगर ये आता है तो रेप्टाइल जो है उसमें नहीं आता, ये किसके अंदर आता है हमारा, ये आता है एम्फीबिया के अंदर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ओके, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो नीट 2016 का क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यहाँ पे लिखा है ऑल मेमल्स आर विविपेरस, ऑप्शन बी है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जा एंड पेयर्ड फिन्स, सी है ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट, एंड डी है ऑल पिस्कस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, ऑल मेमल्स आर विविपेरस ऐसा नहीं होता है, जो विविपेरस में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो ओविपेरस भी होता है, तो ऑल मेमल्स विविपेरस ये वाला गलत हो जाता है, करेक्ट बतानिए। ये अभी हमने पढ़ा है ऑल साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोजेस जाय एंड पेयर्ड फिन्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये अभी हमने पढ़ा एनसीईआरटी की कॉपी पेस्ट। ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड, जी नहीं, हम पढ़ेंगे क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड होता है, एनसीईआरटी में लिखा आएगा। आगे लिख रखा है ऑल पिस्कस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, जी नहीं, अभी हम देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्टस में ऐसा ओपरकुलम जो है वो उससे कवर नहीं होते हैं, ओस्टियोइक्टस में होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी अभी हम देखने वाले हैं। ओके, बट यहाँ पे मेरा आंसर यहीं से आ जाता है कि ऑल साइक्लोस्टोमेटा ये वाला। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं सुपर क्लास पिस्कस के बारे में, और यहाँ पे टू क्लास आती है सुपर क्लास के अंदर, एक होती है कॉन्ट्रेक्टस एंड सेकेंड होती है ओस्टियोइक्टस। तो पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रेक्टस के बारे में। तो कॉन्ट्रेक्टस के लिए इन्होंने बोला है दे आर मेराइन एनिमल्स। अब हर एक जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है उसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आता जाएगा जब ओस्टियोइक्टस को पढ़ेंगे, तो यहाँ के लगभग जो है वो 80-90% डिफरेंस मिलेगा आपको। दे आर ऑल मेराइन एनिमल्स विद स्ट्रीम लाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है, क्योंकि इनको वाटर के अंदर जो वो तैरना होता है, इनसाइड द वाटर, तो ऐसी बॉडी ताकि वो आसानी से तैर पाए। देखिए यहाँ से भी जो है वो बिल्कुल नैरो है और पीछे से भी बिल्कुल नैरो है, सेंटर से जो है वो थोड़ी सी विड्थ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडीज होगी यहाँ पर। ओके, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा, इसीलिए इसको नाम दिया है कॉन्ट्रेक्टस। कॉन्ट्रेक्टस यानी कार्टिलेजिनस वाला जो है वो एंडोस्केलेटन होगा, इसलिए नाम दे दिया गया है कार्टिलेजिनस। ओस्टियोइक्टस, ओस्टियो हम यूज करते हैं बोन्स के लिए, तो ओस्टियोइक्टस मतलब बोनी एंडोस्केलेटन वहां पर होगा। ओके, आगे यहाँ पे लिखा है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड होगा। वेंट्रली का मतलब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर फिस्ट का डायग्राम दिया गया है। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर नीचे इस तरफ जो है वो क्या होगा, माउथ होगा। यहाँ पे इसको भी ऐसा ही जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा जो वो माउथ होगा, तो वेंट्रली यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है वो माउथ होगा।
नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकोड जो है वो पूरी लाइफ आपको मिलेगी, एम्ब्रियो से लेकर जब तक लास्ट डेथ होगी तब तक आपको पूरी जो है वो नोटोकोड मिलेगी। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम गिल कवर, यानी गिल्स जो होते हैं ना जहां से वो रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, तो वहां पर जो है वो ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होगा। ओपरकुलम देखिए एक इमेज यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे देखिए ये फिश के अंदर दिखाया गया ओपरकुलम, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल माउथ के जस्ट बाद में। ये ओपरकुलम क्या करता है, जो गिल्स होते हैं ना उसको इसे कवर कर लेता है, जैसे हमारे जो लिप्स होते हैं, लिप्स ये क्या करते हैं, जो माउथ होता है उसको कवर करते हैं ना, इसे बंद हो जाए तो माउथ क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अगर लिप्स ना हो तो यहाँ पे हमें टीथ दिखाई देते रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये जो लिप्स काम करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ओपरकुलम क्या करता है, उस जो गिल्स होते हैं उनको कवर करता है इसे, ओके। इनको बोलते हैं गिल कवर, भी आप इनको सिंपल सा बोल सकते हो कि जो ओपरकुलम होते हैं वो क्या होते हैं, गिल कवर होते हैं। बट कॉन्ट्रिक्टस के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे कोई भी गिल्स की कवरिंग नहीं होती है, किसके अंदर, कॉन्ट्रिक्टस के अंदर। अगर लिखा है द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल, इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, किसके कंपेयर में, जो कि ओस्टिक्टस, ओस्टिक्टस के अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इनकी जो स्किन है वो ज्यादा टफ है, और यहाँ पे माइन्यूट जो है वो प्लेकोइड स्केल मिलेंगे, मतलब बहुत कम जो है वो स्केल्स मिलेंगे, प्लेकोइड स्केल्स मिलेंगे, ओके। वहां पे हम देखेंगे टीनोइड या साइक्लोइड स्केल्स और प्लेकोइड स्केल, इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्लेकोइड स्केल जो ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर लिखा भी है टीथ आर मोडिफाइड प्लेकोइड स्केल, जो यहाँ पे टीथ नहीं होते हैं, यहाँ पर जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से जो आपके प्लेकोइड स्केल है वही मोडिफाइड हो जाते हैं ऐसे इनसाइड में। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, बैकवर्डली डायरेक्टेड का देखिए हमारे जो टीथ है वो कुछ ऐसे हैं, आपका आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे हैं, ओके, सिंपल ऐसे हैं स्ट्रेट, बट इनमें क्या होगा थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। ऐसे क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब ये फूड लेंगे तो वो बाहर जब ना जा पाए उस टीथ से, उस टीथ में जो है वो अटक जाए, तो इसीलिए इनके जो यहाँ पे जो टीथ होते हैं या प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो थोड़े से इनवर्ड जो है वो बैकवर्डली जो है वो डायरेक्टेड होते हैं। देयर जा आर वेरी पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे सब में जा होते हैं, ओके, केवल जा लेस जो होते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, अगंथा डिवीजन वाले, बट अब हम सब में जा देखेंगे तो यहाँ पे जो जा वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस का जो मतलब प्रीडेटर को खाए ऐसे, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे पकड़ के चाहे, तो ये जो एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं। अगर लिखा है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, अब यहाँ पे इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते हैं तो इनको बार बार जो वो तैरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप स्विमिंग करने जाते हो, आपको जो है वो तैरना पड़ता है, मतलब बार बार हाथ पैर ऐसे चलाने पड़ते हैं तब जो आप स्विमिंग कर पाते हो। वहीं पर अगर आपको एक पाइप दे दी जाए, ओके, यहाँ पर जो एयर से फिल जो है वो पाइप दे दी जाए, तो वहां पर आप ट्यूब जो होती है, जो एयर ट्यूब होती है उसके ऊपर आपको बिठा दिया जाए, तो अब जो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो ट्यूब जो वो डूबेगी नहीं, तो आप भी जो वो पानी के अंदर डूबोगे नहीं, तो आपको अब तैरने की जरूरत नहीं है, यानी हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास एयर ब्लेडर जो है वो ऐसा नहीं है, तो इनको बार बार वाटर के अंदर रहते हुए भी बार बार जो वो तैरना पड़ता है, ओके, कॉन्स्टेंटली इनको स्विम करना पड़ता है वाटर के अंदर। एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी कुछ और फीचर रहते हैं, बट अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, कार्टिलेजिनस फिश के एक दिया इन्होंने स्कोलिडियन का एंड एक दिया है प्रिस्टिस का, जो ये आपको प्रिस्टिस और स्कोलिडियन जो है वो यहाँ पर इमेज दी गई है। नेक्स्ट लिखा इन्होंने हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, तो मैंने आपको बता दिया कि हार्ट जो है वो टू चैम्बर, थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर रहेंगे, यहाँ पर केवल जो आपके आते हैं कॉन्ट्रिक्टस इनके अंदर टू चैम्बर रहते हैं, एक ओरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। अगले क्या है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जाम्पल दिया है टॉर्पेडो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, नीट में बहुत बार इनसे क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी आया हुआ है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, मतलब अगर आप उनको हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे करंट सा लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, तो यहाँ पर वो जो होते हैं वो टॉर्पेडो जो फिश है उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट है एंड सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग, उन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जो वो पॉइजनस स्टिंग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोन, मतलब उनके स्टिंग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पॉइजन होता है, तो आप अगर उनको हाथ लगाओगे तो वहां पर क्या होगा, उस स्टिंग में पॉइजन होता है, ओके, तो वो आपके डेथ भी हो सकती है, ओके, वो अलग अलग लेवल पे होता है कि वो कितना सीक्रेट करते हैं, काफ़ी हाई लेवल का भी हो सकता है, कम लेवल का, बट यहाँ पे पॉइजन जो है वो भी होता है कुछ, वो ये सब कुछ जो होते हैं वो सेल्फ डिफेंस में होते हैं, अपने डिफेंस के लिए जो है वो अलग अलग इवोल्यूशन में जो अलग अलग मॉडिफिकेशन हो जाता है। आगे लिखा है
दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, यानी पोइकिलोथर्मस याद रखना, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। उनका मतलब जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली जो वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, इसे ज़्यादा हो जाता है तो बुखार हो जाता है हमें, ना इसे कम होता है ना ज़्यादा होता है, मेन जहाँ पे इतना ही मेंटेन रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो। ओके, बट जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर उतना ही होता है जो बाहर का टेम्परेचर होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री आ गया तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे 10 डिग्री आ जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो आपको विंटर्स के अंदर इनएक्टिव दिखाई देते हैं। विंटर्स के अंदर जो है वो आपको ज़्यादातर एनिमल्स इनएक्टिव दिखाई देते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स से इतने एक्टिव नहीं रह सकते हैं। ओके, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उतना हो चुका है जितना पहले और अदर और बाहर का जो टेम्परेचर है उनका। आगे इन्होंने लिखा है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होंगे, डायोशिस होंगे। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लेस्पर, और मेल्स के पास जो पेल्विक फिन्स होते हैं वहां पर होते हैं क्लेस्पर। क्लेस्पर क्या होता है, जो कॉपुलेशन के अंदर मदद करता है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वहां पे जो पेनिस मदद करता है वो सेम काम जो है यहाँ पर क्लेस्पर करते हैं मेल्स के अंदर, कोंड्रिक्थस के अंदर। अगर लिखा है दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, इनसाइड होती है। मेनी ऑफ देम आर वीवी पेरस, ज्यादातर जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। ओवी पेरस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, किसके अंदर, कोंड्रिक्थस के अंदर। ओके, तो अभी आपने ये सब कुछ देख लिया होगा, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। सबसे पहले स्कोलिडियन डॉग फिश, वहाँ पे पीछे जो वो डायग्राम दिया हुआ था वो भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे अब जो वो इसकी एक्चुअल इमेज देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी डॉग फिश की। नेक्स्ट है हमारा प्रिस्टिस यानी साफ फिश। ओके, प्रिस्टिस साफ फिश आपने देखा था पहले जो इमेज दिखाई देती, अब एक्चुअल इमेज देख लीजिए कुछ ऐसी दिखाई देती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी कार्केरोडोन। कार्केरोडोन होती है ग्रेट वाइट शार्क। ओके, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, नहीं देखी तो एक्चुअल इमेज देख लीजिए, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारी स्टिंग रे, जिसे हम बोलते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन के पास होते हैं पॉइजनस स्टिंग। ओके, जो पॉइजनस स्टिंग वाली ट्राइगोन स्टिंग रे होती है उसकी एक्चुअल इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली हमारी एक्चुअल इमेज रह गई, जिसे हम बोलते हैं टोरपेडो। टोरपेडो के पास होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, उसकी भी एक्चुअल इमेज आप दिखाई दे रही होगी आपको, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब यहां से जो है वो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लेते हैं नीट 2014 का क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए मेराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी इनमें से कौन सी एक कार्टिलेजिनस फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, पेस्ट्रिस, टोरपेडो, ट्राइगोन या फिर स्कोलिडियन। तो यहाँ पे आंसर आएगा टोरपेडो। टोरपेडो अभी अभी मैंने आपको ये भी कहा था कि जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसीलिए यहां पर जो है वो आंसर आ जाएगा आपका टोरपेडो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां से एक और क्वेश्चन आया हुआ नीट 2016 में, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी यहां पर ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसके लिए हमेशा हमेशा जो है वो बिल्कुल सही होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। तो ऑप्शन दिया गया वीवी पेरस मेमेलिया पोजेज ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ कॉर्डेटा, थ्री चैम्बर्ड हर्ड विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया लिखा गया है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्टस लिखा गया है। तो हम मैंने अभी अभी आपको ये भी बताया था कि सभी मेमल्स वीवी पेरस नहीं होते, हम आगे पढ़ेंगे भी एक मेमल ऐसा भी जो वो ओवी पेरस का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो ये तो हमेशा करेक्टर नहीं हो सकता कि वीवी पेरस ही होंगे। पोजेज ए माउथ एंड एन अपर एंड लोअर जा कोर्डेटा, कोर्डेटा के अंदर जो है वो वर्टिब्रेटा होता है, और वर्टिब्रेटा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा देखा था, वहां पे जो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता कि हमेशा कोर्डेटा वालों में सभी में जो वो जो प्रेजेंट ही होंगे। ओके, नेक्स्ट जो आगे लिखा है थ्री चैम्बर्ड हार्ट और रेप्टाइलिया में, तो रेप्टाइलिया में हमेशा थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं होते हैं, क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कोड्रिक्थस, अभी अभी पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी जो क्लास है वो है ओस्टिक्थस। ओके, ओस्टिक्थस देख लेते हैं। इट इंक्लूड बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, मैंने कहा था वो लाइन याद रखना, अभी कंपेयर कर लो, वहां पे केवल और केवल मेराइन थे, यहां पर मेराइन और फ्रेश दोनों हैं, वहां पर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यहां पर बोनी एंडोस्केलेटन है, ये बिल्कुल सेम है। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड, वहां पे भी बॉडी स्ट्रीमलाइन थी, कॉन्ट्रिक्टस की बात करें यहाँ पे भी स्ट्रीमलाइंड है। ऐसे अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फीचर जो वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे।
माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, वहां पर माउथ जो था वो क्या था, वेंट्रल था, वेंट्रल साइड था, नीचे की साइड था। यहाँ पे टर्मिनल है यानी बिल्कुल ऊपर ही ऊपर, बिल्कुल जो सामने पोजीशन होती है वो टर्मिनल। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये जो पेन की निब जहां से लिखते हैं ये इसका क्या है, बिल्कुल ही टर्मिनल पोजिशन है, जहां पे हम इसकी पेन की जो निब आएगी वो टर्मिनल पोजिशन है। तो ऐसे जो इसका माउथ होता है। ओके, आगे इन्होंने बोला है दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, वहां पर जो गिल्स होते थे। ओके, यहां पर फोर पेयर है, केवल के कितने हैं, फोर पेयर के अंदर ही आपको मिलेंगे, विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम। वहां पे विदाउट ओपरकुलम था, वहां पे ओपरकुलम ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कवरिंग नहीं थी, बट यहाँ पे गिल कवरिंग है, ओपरकुलम है ऑन ईच साइड, दोनों साइड जो है वो ओपरकुलम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लोइड या फिर टीनोइड स्केल्स। यहाँ पर जो स्किन है उसके अंदर साइक्लोइड या फिर टीनोइड स्केल होंगे, वहां पर हमने बात की थी प्लेकोइड स्केल्स थे जो काफी हार्ड होते हैं, ये जो साइक्लोइड और टीनोइड स्केल होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू प्लेकोइड। वहां पे वो माइन्यूट थे, बहुत कम थे, बट यहाँ पे पूरी बॉडी जो वो कवर होगी, स्किन पूरी तरह से जो वो स्केल से कवर होगी। ओके, आगे इन्होंने बोला है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट ब्योन्सी। वहां पर हमने देखा था कॉन्ट्रिक्टस के अंदर एयर ब्लेडर एबसेंट थे, कोई भी एयर ब्लेडर नहीं था, उनके कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ रहा था, बट यहां पर जो है वो एयर ब्लेडर प्रेजेंट होंगे तो इनको जो है वो कंटिन्यू स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, वो तो कॉन्ट्रिक्टस में भी टू चैम्बर्ड था, यहाँ पे भी टू चैम्बर्ड ही रहेगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो भी पोइकिलोथर्मस थे कॉन्ट्रिक्टस, ये भी पोइकिलोथर्मस रहेंगे, कोल्ड ब्लडेड रहेंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग रहेगा, वहां पे भी सेक्सेस सेपरेट थे, मेल फीमेल अलग रहेंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है ओस्टिकटस के अंदर वो एक्सटर्नल होती है, वहां पर कॉन्ट्रिक्टस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन थी वो मेनली जो थी वो क्या थी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी। अगले लिखा है दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये जो है वो ओविपेरस यानी एग्स देते हैं ओस्टिकटस, बट कॉन्ट्रिक्टस जो थे वो क्या थे, वीवीपेरस थे मोस्टली। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा स्टेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल एक बार यहाँ पर। तो एग्जाम्पल का इन्होंने दिया है सबसे पहले मेराइन का अंदर, जो मेराइन वाटर के अंदर रहती है उनका दिया है। तो मेराइन के दो दिए हैं, सबसे पहले एक्सोकोइटस जिसे हम फ्लाइंग फिश भी बोलते हैं, तो उसकी एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे कुछ ऐसा होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। ओके, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स की एक्चुअल इमेज दिखाई दे लीजिए, देख लिए होंगे आप, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये तो थे दोनों मेराइन के, यानी जो फ्लाइंग फिश और सी हॉर्स होते हैं वो मेराइन वाटर के अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर देख लेती है पहले है लेबियो यानी रोहू। ओके, लेबियो यानी रोहू जो फिश है वो एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है कटला यानी जिसे हम कटला बोलते हैं, कटला फिश, तो वो भी आपको एक्चुअल इमेज दिखाई दे रही होगी, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये फ्रेश वाटर की है। नेक्स्ट हमारे पास क्लेरियस यानी मैग्यूर, जिसे हम क्लेरियस यानी मैग्यूर बोलते हैं, उसकी एक्चुअली इमेज दिखाई दे रही होगी, ये भी कुछ ऐसा दिखाई देता है और फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। नेक्स्ट हमारा है एक्वेरियम, एक्वेरियम जिसे बेटा यानी फाइटिंग फिश। देखो फ्लाइंग और फाइटिंग में डिफरेंस याद रखना, फ्लाइंग फिश जो वो मेराइन के अंदर रहती है और जो आपकी फाइटिंग फिश है वो किसके अंदर रहती है, एक्वेरियम के अंदर रहती है। तो बेटा जो आपकी फाइटिंग फिश है वो एक्वेरियम के अंदर आपको मिल जाएगी, एक्वेरियम में आप रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा पेट्रोफाइलम जिसे हम बोलते हैं एंजल फिश, तो एंजल फिश भी आप याद रखना, अगर फाइटिंग फिश है तो उसके साथ एंजल भी है। ओके, तो यहाँ पेट्रोफाइलम बोलते हैं एंजल फिश, उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ ऐसा होता है, उसे एक्वेरियम में रख सकते हैं। अब जो एनसीईआरटी में जो हमारे पास डायग्राम दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम दिए हैं, एक हमारा पास दिया गया हिप्पोकैम्पस, ये आपका हिप्पोकैम्पस है सी हॉर्स, और सेकेंड है कटला, ये वाली जो इमेज है कटले, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे स्केल्स दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से ऐसे, तो ये होते हैं स्केल्स, और यहाँ पे ये जो स्केल्स हैं वो कौन से हैं, साइक्लोइड स्केल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है वो जो हमारी क्लास है वो कौन सी है, एम्फीबिया, और ये जो एम्फीबिया वो कौन सी सुपर क्लास के अंदर आती है, वो आती है हमारी सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर। तो टेट्रापोडा की एक ही क्लास करेंगे एम्फीबिया, जो रेप्टाइल्स एविज और मैमल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो अभी हमारी लास्ट जो क्लास है वो है एम्फीबिया। तो यहाँ पे लिखा है एज द नेम इंडिकेट, एम्फी का मतलब ड्यूल, बायोज, ओके बायोज का मतलब लाइफ, एम्फीबिया हमें बना है एम्फी और बायोज से मिलकर जो वो एम्फीबिया बनाए, तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब दो लाइफ जीते हैं ये, कुछ एक्वेटिक यानी कुछ पानी के अंदर और कुछ टेरेस्ट्रियल यानी जमीन के ऊपर, तो दोनों में रहते हैं, वाटर के अंदर और एक्वेटिक दोनों पे ये जो है वो लाइफ जीते हैं। ओके,
हमने एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है, प्लांट किंगडम चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पे हमने पढ़ा था एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा, उनका भी ड्यूल नेचर था, वो टेरेस्ट्रियल पे थे फिर भी वाटर के ऊपर डिपेंड थे, यहाँ पे भी ये भी ऐसा ही है, टेरेस्ट्रियल पे हैं तो पानी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकते हैं। अगले लिखा है मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, ज्यादातर जो है वो टू पेयर ऑफ लिम्स मिलेंगे, यानी टोटल टू पेयर ऑफ लिम्स, जैसे हमारे नहीं होते ना, एक पेयर तो ये हैंड्स वाला हो गया और एक पेयर जो है वो पेयर वाला हो गया, लेग्स वाला हो गया, तो ऐसे यहाँ पे भी आपको टू पेयर मिलेंगे, एक ये पीछे वाला और एक आगे वाला, यहाँ पे भी देख लीजिए आपको वन पेयर और टू पेयर आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पे पेयर्स होते हैं टू पेयर, टोटल जो फोर लिम्स होते हैं बट पेयर टू होते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक, तो यहाँ पे दो ही पोर्शन होते हैं, एक होता है हेड वाला ओके, और बाकी जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक, यहाँ पे ऐसा ही, यहाँ पे इसको बोलते हैं हेड, बाकी जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ट्रंक, तो ये टू पोर्शन के अंदर डिवाइड होता है बॉडी जो है। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, यानी जो टेल है यहाँ पर आपको टेल दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे आपको क्या टेल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो टेल जो है वो कुछ एक में जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सभी एम्फीबिया के अंदर आपको टेल जो है वो मिलेगी, तो इसीलिए मेनली जो है उसको टू में ही डिवाइड मानते हैं कि हेड और ट्रंक दो ही जो पोर्शन होते हैं बॉडी के ऊपर। ओके आगे लिखा है द एम्फीबियन स्किन इज मोइस्ट, तो यहाँ पे जो एम्फीबियन की स्किन होती है वो मोइस्ट होती है विदाउट स्केल्स, जैसे ऑस्टियोइक्टस के पास स्केल्स थे ना, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल मोइस्ट स्मूथ स्किन होती है इनकी, किनकी, एम्फीबियन की। द आई हैव आईलिड्स, आई हैव आईलिड्स होते हैं, जैसे हमारे आईलिड्स होते हैं ना, जो आई को हम क्लोज करते हैं तो वो आईलिड्स जो वो ऐसे एक दूसरे से मिल जाते हैं तो आई क्लोज हो जाती है, वैसे यहाँ पर भी आईलिड्स देखने को मिलते हैं। अगर लिखा है ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, हमारी तरह यहाँ पे ईयर ऐसे बाहर नहीं होता है, यहाँ पे टिम्पेनम होता है, जैसे छोटा सा जो पोर होता है तो वही ईयर होता है, उसी को हम बोलते हैं टिम्पेनम, ऐसा नहीं है अलग से यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे टिम्पेनम जो होता है वो ईयर की तरह मदद करता है। अगर लिखा है एलिमेंट्री केनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोआका विच ओपन टू द एक्सटीरियर, हम अगर बात करें तो एलिमेंट्री केनाल की ओपनिंग जो वो अलग होती है एनएस, यूनाइटली के लिए जो है वो अलग होती है ओके, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो लगभग किसी में सेम होते हैं किसी में अलग होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर ह्यूमन के अंदर अलग अलग होते हैं ओके, ओपनिंग अलग अलग होती है और यहाँ पर जो मेल होता है वहाँ पे सेम होती है, बट जो एम्फीबिया है उनके अंदर ये सब कुछ एक ही ओपनिंग होती है ओके, यहाँ पर एलिमेंट्री केनाल की भी ओपनिंग सेम है, यूनाइटली के लिए भी सेम है ओके, और आपका जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो भी सेम है, और उसी एक चैम्बर को हम बोलते हैं क्लोआका, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोआका बोलते हैं, जो कि एक्सटीरियर ओपन होता है, बाहर की तरफ ओपन होता है। अगर लिखा है रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स लंग्स एंड थ्रू स्किन, तो क्योंकि ये दोनों जगह रहते हैं, एक्वेटिक में भी रहते हैं टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन भी अलग अलग मॉडिफिकेशन है, गिल्स से भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं अगर इनको वाटर के अंदर रहते हैं तो, लंग्स जब ये टेरेस्ट्रियल पे होते हैं तो लंग्स भी यूज कर लेते हैं, और स्किन मोइस्ट जो स्किन है उसके थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं ओके। अगर लिखा द हार्ट इज थ्री चैम्बर टू ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, अभी देखो पहले टू चैम्बर था, अभी थ्री चैम्बर आ चुका है, अभी थ्री चैम्बर एक और चलेगा फिर फोर चैम्बर आ जाएगा, तो जो थ्री चैम्बर होते हैं वहां पे कौन कौन से चैम्बर होते हैं यह इंपॉर्टेंट है याद रखना, जब टू चैम्बर थे तो वन ओरिकल और वन वेंट्रिकल था, बट जब थ्री चैम्बर आ जाएंगे तो टू ओरिकल आएंगे और एक वन वेंट्रिकल आएगा, ये ओरिकल वेंट्रिकल जब हम हार्ट वाला जो ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हार्ट का बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बस ये चैम्बर के नाम दिए गए, मतलब जो अलग चैम्बर होता है उसका अलग नाम दे दिया गया, जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको ओरिकल बोल दिया गया, जो नीचे वाला चैम्बर उनको वेंट्रिकल बोल दिया गया, तो ऊपर यहाँ पे दो चैम्बर होते हैं और नीचे एक चैम्बर होता है जिसको वेंट्रिकल बोल दिया गया, आप इतना समझ लीजिए अभी ओके। आगे लिखा है दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये भी पोइकिलोथर्मस है, इनका बॉडी टेम्परेचर भी ऐसा नहीं है कि मेंटेन रहता है रेगुलेट रहता है ऐसा नहीं है, इनका भी जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे भी सेक्सेस जो वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यहाँ पर भी जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी होती है एक्सटर्नल होती है, दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, जो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है ओवीपेरस होते हैं, सबसे पहले एग्स देते हैं ये सारे के सारे, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब यहाँ पे लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है ओके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया बूफो यानी टोड, उसका एक्चुअल आप रियल इमेज देख सकते हो, ये कुछ ऐसा था। नेक्स्ट है राना यानी फ्रॉग, यहाँ पे ये जो एनसीईआरटी के अंदर इमेज दी गई है जो ग्रीन कलर के अंदर है, ये राना यहाँ पे लिखा हुआ है बी राना,
ओके, जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं और ये आपको एक्चुअली में दिखाई दे जाएगी, कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है हाइला, जिसे हम ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं। ओके, ये ज्यादातर हमें ट्रीज ऊपर जो है उनके ऊपर रहते हैं, ये तो हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग। एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है सालमेंडर, जिसे हम सालमेंडर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जो उसकी यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर इमेज दी गई है, देख लीजिए ऑप्शन ए सालमेंडर, ये कुछ ऐसा इमेज दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी वाली इमेज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे ये याद रखना, ये सालमेंडर की एक्चुअल इमेज आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट हमारा देख लीजिए इक्टियोफिश। इक्टियोफिश अभी अभी हमने देखा था कि इक्टियोफिश जो वो रेप्टाइला में दे रखा था, मैंने कहा था एम्फीबियम में आता है, तो आपने इससे रिलेटेड ऑप्शन देखा था एक, तो इक्टियोफिश जो होता है वो लिम्ब लेस एम्फीबिया होता है, जहां पे लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ज्यादातर हमने देखा था कि वहां पे टू पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं, तो ये भी याद रखना कि हमेशा हर एक के पास जो है वो लिम्ब्स नहीं होते हैं, ये भी आप याद रखना। तो इक्टियोफिश जो होता है वो लिम्ब लेस होता है एम्फीबिया, एक्चुअली इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, या कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।